हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है 91 नंबर का, और इसके पहले काफ़ी प्रैक्टिस सेट बनाई हुई है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर वॉच कीजिए। और इसके पहले हम 500 सेंटेंस की एक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वो 500 सेंटेंस की सीरीज चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पर मैसेज करके उसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस, डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड, एंड आंसर आता है यस आई हैव डैश। यहाँ पर हमें डिटरमिनर्स फिल करने हैं, क्या डिटरमिनर यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन, डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड, एंड सेकेंड वन है यस आई हैव डैश। अब यहाँ पर देखिए क्या यूज किया जाएगा। कि सबसे पहला जो सेंटेंस है ये है आपका क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में सामान्यता क्या आता है, एनी। एनी का यूज किया जाता है, तो ठीक है हमारे पास तीन आंसर में एनी है तो हम इसे हटा देते हैं क्योंकि सम का यूज क्वेश्चंस में नहीं होता है। अब देखते हैं यस आई हैव। अब ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज हो जाता है, एंड वन का यूज भी हो जाता है, नन का यूज भी होता है। बट देखते हैं यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है उसका रिएक्शन कैसा है, यस। यानी कि इसका सेंस ये, अब आपने किसी से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है, अब सामने वाला पर्सन कहता है हाँ मेरे पास है। अब मेरे पास है तो यहाँ पर नन का यूज नहीं होगा क्योंकि वो रिप्लाई किस में कर रहा है, यस से। यदि वो नो बोलता तो नन हो सकता था। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो आंसर है इसके दो राइट आंसर होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका एनी एंड सम यूज हो जाएगा। कोई पूछता है डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड्स, यस आई हैव सम, हाँ मेरे पास कुछ हैं। और डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव वन, हाँ मेरे पास एक है। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, बट यहाँ पर जो दो आंसर लिखे हुए ये दोनों आंसर आपके यहाँ पर राइट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है डिड डैश राइट विद माई पेन व्हेन आई वाज अवे। यूज करना है सम, एनीवन, समवन या नन ऑफ दीज में से। तो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होगा। एनी का यूज हो जाता है, संबन का यूज भी नहीं हो रहा क्योंकि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा बी, एनी वन। यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका एनी वन। डिड एनी वन राइट विद माई पेन व्हेन आई वाज अवे, क्या किसी ने मेरी पेन से लिखा जब मैं बाहर था या बाहर गया था। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थर्ड, एंड सेंटेंस नंबर थर्ड है All the boys went to the beach, but only Dash could swim. तो यहाँ पर मैं यूज करना few, a few little and the little में से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट डिटरमिनर देखते हैं all। All के बारे में समझ लीजिए, all के बाद ये डिटरमिनर आता है, उसके बाद आता है आपका now। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यदि यहाँ डॉट डॉट होता है फिर हमें यूज करने के लिए दिया जाता है कि ऑल, होल और सारी चीज़ें, तो ऑल आता है क्योंकि डिटरमिनर इसके बाद आता है। अब हमें क्या फिल करना है यहाँ पर, बट ओनली डैश कुड स्विम। याद रखो ओनली के साथ अ फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को याद रखिए। यदि वो काउंटेबल नाउन है तो, क्योंकि बॉयज आपका काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है। तो यहाँ पर देखिए आपका ओनली के बाद अ फ्यू का यूज होता है, तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ऑल द बॉयज वेंट टू द बीच बट ओनली अ फ्यू कुड स्विम, लेकिन कुछ ही तैर सकते थे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फोर, एंड सेंटेंस नंबर फोर है देर आर डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट। यानी संसार में ऐसी कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ रही है। यूज करना है एनी, मैनी, मोस्ट या मच में से। तो सबसे पहले देखिए एनी का यूज किया जाता है नेगेटिव, सामान्यतः नेगेटिव या क्वेश्चंस में, बट सेंटेंस हमारा एक ऐसा है पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे देखिए मैनी, मैनी के बाद आपका क्या आता है, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्री आपका यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट। मोस्ट क्या है आपकी, मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है मैनी या मच्छी, और लास्ट ऑप्शन है मच। मच्छी बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, बट आपकी कंट्री कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर यूज किया जाएगा मैनी। देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में वेयर
पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट, यहाँ पर पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, देयर वॉज डैश एक्सीडेंट नियर डैश मार्केट। अब यहाँ पर यूज करना है आपको कि कौन सा यूज किया जाएगा आपका डिटर्मिनर, द, अ, एन या द, ए या द, द या द में से। तो देखिए एक्सीडेंट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एंड यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपका यूज किया जाएगा एन, एन यूज हो जाएगा, देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6 एंड सेंटेंस नंबर 6 है बी बॉट डैश बोथ्स यस्टरडे। यहाँ पर यूज करना है मच, मोर, एनी या मैनी में से। तो सेंटेंस आपका कैसा है, सबसे पहले देखते हैं मच, मच के बाद आपका आएगा अनकाउंटेबल नाउन, बोथ्स आपका कैसा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मच का यूज नहीं होगा। मोर का यूज कंपेरेटिव डिग्री में होता है एंड मच और मैनी का ये कंपेरेटिव होता है। एनी का यूज, एनी का यूज वहाँ पर किया जाता है निगेटिव या क्वेश्चंस में, तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव लिखा हुआ इसलिए एनी का यूज भी नहीं होगा। एंड मैनी के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर डी, मैनी। वी बॉट मैनी बॉट्स यस्टरडे, हमने कल कई सारी किताबें खरीदी। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7 एंड सेंटेंस नंबर 7 है वाज देयर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। यूज करना है सेम, मैनी, अ फ्यू या एनी में से। तो यहाँ पर आप देखिए अब क्या यूज किया जाएगा, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर यूज करना है सेम, मैनी, अ फ्यू या एनी में से। सेम का यूज नहीं होगा यहाँ पर, इसे हटा देते हैं। मैनी, मैनी का यूज यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। मैनी सामान्यतः निगेटिव एंड क्वेश्चंस में भी यूज होता है। अप्यू, अप्यू के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है लेकिन अप्यू का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, जैसा कि हमारा सेंटेंस कैसा इंट्रोगेटिव है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, तो आपका ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एनी, एनी का यूज नहीं हो रहा यहाँ पर, तो अब क्या यूज करें हम, आपका राइट ऑप्शन हो रहा, बोल रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8 डैश सिस्टर्स आर नॉन टू मी। अब यूज करना है एनी, वन, बोथ या एंड यहाँ पर चलिए इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर है आपका कि यूज क्या करना है। अब ये सेंटेंस आपका लिखा है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है सिस्टर्स, एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बोथ का यूज दो के लिए होता है यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं बोथ, बोथ सिस्टर्स आर नॉन टू मी, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9 रमन वॉन्टेड टू बाई डैश दोज फ्लावर्स। यूज करना है सम, बोथ, ऑल या एनी का। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हमें यूज करना है, आपका नाउन है फ्लावर, फ्लावर कैसा नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यहाँ पर ये डिटर्मिनर लगा हुआ है, तो हमें एक ऐसा डिटर्मिनर ढूंढना होगा जिसके बाद भी ये डिटर्मिनर आता हो। सम, सम के बाद सीधा नाउन आता है, याद रखिए, बोथ के बाद सीधा नाउन आता है, एनी के बाद सीधा नाउन का यूज किया जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑल के बाद ये डिटर्मिनर, ऑल द बॉयज लिखा था स्टार्ट पहले सेंटेंस आया था, तो ऑल के बाद ये डिटर्मिनर फिर नाउन का यूज होता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर हमें यूज करना है ऑल, रमन वांटेड टू बाई ऑल दोज फ्लावर्स। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस नंबर 10 है द डैश वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19। यूज करना सम, ऑल, होल या दिस में से। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड आपका क्या है, नाउन है और इसके पहले भी ये डिटर्मिनर लगा हुआ है द आर्टिकल, तो अब हमें एक और डिटर्मिनर का यूज करना, अब हमें ये देखना होगा दो डिटर्मिनर क्या उनसे यूज हो सकते हैं साथ में। सम के बाद सीधा नाउन का यूज होता है, ऑल के बाद डिटर्मिनर आता है फिर नाउन आता है, अब हमारा डिटर्मिनर यहाँ पहले से लगा हुआ है। नेक्स्ट है होल, होल के बाद क्या होता है नाउन आता है लेकिन होल से पहले डिटर्मिनर का यूज होता है एंड दिस के बाद सीधा नाउन का यूज होता है,
तो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर होल। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड पूरा संसार कोविड-19 से पीड़ित है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। यदि क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितने स्टूडेंट पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।